हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर वन है और जिसका नाम है आई लव ग्रैंडमा। हम लोग अपने ग्रैंडमा यानी दादी माँ से बहुत प्यार करते हैं, ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वार्मर में हम लोग देख ले जो कि क्या डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसका अगर ढूंढ पाए तो सवाल और जवाब देख लेते हैं। बच्चों, आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर यू रीड दी पोएम। हु एल्स बिसाइड्स योर फादर एंड मदर लिव इन योर फैमिली, यानी आपके अलावा कौन आपके यानी माता और पिता के अलावा कौन आपके फैमिली में रहते हैं। अगर आपके दादी और दादा है तो वो लिख दीजिए। डू यू हैव दादी, अगर दादी है तो ये लिखा हुआ, या नानी। मटेरियल ग्रैंड मदर एट योर होम, हाउ मच आर यू अटैच विथ हर, यानी अगर आपके पास दादी है या नानी है तो आप उससे कैसे जुड़े हुए हैं और कितना आपका जो कि संबंध है वो कितना नज़दीकी है आप उनसे। तो डू यू लव हर, अगर क्या आप उनसे प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी होगा जो इंसान वो ज़रूर करेगा। हाउ डू यू शो योर लव टू हर, यानी आप कैसे उनको शो करते, जैसे अगर आप स्कूल से आए, कोई अगर फनी बात हुआ तो आप उनके साथ शेयर करते होंगे या कीजिए, या कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ रिलेटेड जो पोएम हो, सॉरी पोएम या स्टोरी हो गया वो सुनिए या सुनाइए इस टाइप से, या उनको सेवा कीजिए थोड़ा। हाउ डू योर पेरेंट्स बिहेव विथ हर, यानी आपके जो माता पिता हैं आपके दादी या नानी से कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं या कैसे उनके साथ पेश होते हैं। तो ये था वार्मर और हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, आप लोग को भी सुविधा हो। तो यहाँ लिखा हुआ है शाइनिंग यानी चमकीला, ग्लासेस यानी चश्मा, स्टील यानी स्थिर, स्टील यानी स्थिर हो गया, और ह्यूज यानी गले लगाना, हग वेकअप यानी जागना उठना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वर्ड मीनिंग देख लिए और लिखा हुआ आगे, ग्रैंडमा आईज आर शाइनिंग ब्लू, यानी हमारे दादी माँ का जो आँख है, आँखें हैं, आईज लिखा हुआ है, तो आँखें हैं जो चमक रही है, यानी ब्लू कलर से चमक रही है, ब्लू ब्लू कलर की तरह चमक रही है, नीले नीले रंग की तरह। थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल, यानी उनके जो चश्मा है उनके ऑन हर नोज यानी उनके जो नाक पे चश्मा है, और ग्रैंडमा जो कि एकदम उसकी जो मुस्कुराहट है बहुत ही अच्छी है, यानी बहुत ही मीठीदार, यानी बहुत ही सुंदर उसकी जो हंसती है दादी माँ, उनकी जो स्माइल है बहुत ही सुंदर है। एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, और उनकी जो कपड़े वो बहुत ही सुगंध दे रही है। व्हेन ग्रैंडमा रेस्ट आई एम स्टिल अंटिल शी वेक्स अप, यानी जब ग्रैंडमा आराम करती है मैं स्थिर रहता हूँ जब तक वो उठ नहीं जाती। एंड देन, और उसके बाद आई रन एंड हग माई ग्रैंडमा डियर, यानी जब वो उठती है तो उसके बाद, और लिखा व्हेन ग्रैंडमा रेस्ट, यानी जब तक मेरी दादी में आराम करते हैं मैं स्टिल, यानी हमने देखा था स्थिर तो बहुत ही आराम से रहते हैं, अंटिल जब तक वो उठ न यानी जाग न जाए, अंटिल सी वॉक अप। एंड देन आई रन एंड हग माई ग्रैंडमा डियर, और जो उनके बाद जो उठती है तो मैं अपने प्रिय दादी माँ से गले मिलता हूँ, दौड़ कर जाकर अपने प्रिय दादी माँ से गले मिलता हूँ। देन सी हग्स मी बैक अगेन, और उसके बाद वो हमारी जो दादी माँ है वो भी हमसे गले लगाती है। तो ये हो गया, और इससे जो लिटरेचर होता है दोस्तों, ये तो डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल या हम लोग को शिक्षा देती ही है, और साथ में हम लोग कैसे जो हमारा जो मेंटल और या जो फिजिकल बिहेवियर होता है जो समाज के और फैमिली से, ये सब बहुत तरह का ज्ञान देता है। तो मेरे हिसाब से ये पढ़ना चाहिए, और ये आगे भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या आगे अगर बीपीएससी या कुछ जो तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट, यानी आपका जो थिंकिंग पावर होता है वो रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो बेल आइकन बटन है उनको दबाएं, और जो सब्सक्राइबर बटन है उसको आप ज़रूर से ज़रूर
दवाएं जो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिल सकें। तो बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।